दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी वल्लों पौंटा साहब विखे अपने लाडले 52 कवियां ते साहित रुचियां नूं लैके 336 साल पहला कवि दरबार की शुरुआत की गई सी। बीते दिन गुरु साहिब वल्लों शुरू की गई परंपरा नूं बरकरार रखते हुए पौंटा साहिब की प्रबंधक कमेटी वल्लों होला महला के पवित्र दिहाड़े ते कवि दरबार करवाया गया। इस मौके पंजाब हरियाणा दिल्ली और स्थानक पौंटा साहिब तो 30 के करीब कविया ने गुरु साहिब की उस्त और होला महला बारे कवितावां सुनाईयां। पातशाही दसवीं गुरुद्वारा पौंटा साहिब विच गुरु साहिब जी की बख्शिश सदका कवि दरबार के कवियां की सेवा ट्रस्ट के हिस्से आई है, जिस दे चलदिआं सरबत दा भला चैरिटेबल ट्रस्ट के राष्ट्रीय सकत्तर गगनदीप सिंह आहूजा वालों इस कवि दरबार के विच शिरकत की गई और ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी डॉक्टर SP सिंह उबराए के दिशा निर्देशों के तहत 1.5 लाख रुपए की राशि 30 कवियों नूं निजी तौर पर भेंट की गई। इस मौके ते जलंधर तो रशपाल सिंह पाल, मलेरकोटला तो जमीर अली जमीर, भाई अवतार सिंह तारी, भाई बलबीर सिंह बल ने गुरु साहिब दी उस्तत विच कवितावां सुनाईयां। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं रशपाल सिंह पाल, पंथक कवि जलंधर तो मैं अर्ज कर रहा, अज इस महान पवित्र स्थान श्री पौंटा साहिब विखे जिथे गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने 52 कवियां दी पिरत शुरू की, मैं समझदा उस स्थान दे उत्ते होले महल्ले दे संबंध च बड़ा वड्डा कवि दरबार आयोजित किया जा रहा है। इत्थे और पंथ दे महान शायर इत्थे पुज के अपनियां रचनावां राही साध संगत दीआं खुशियां प्राप्त कर रहे हैं। मैं तो कहना हुन्ना बड़े वड्डे परोपकार है गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे। जे साडी शान कायम है ता एक दशमेश दे सदके, जे साड़ी आन कायम है ता एक दशमेश दे सदके, गुरु दे लाडले सिंगा ना इस विच झूठ कोई नूरी, जे हिंदुस्तान कायम है ता एक दशमेश दे सदके। साध संगत जी, अज दे इस कवि दरबार दी जिहड़ी परंपरा दसम पातशाह ने शुरू की, उन्हां दे ही एक अदने सेवक ने श्री SPS उबराए जी, जिन्हां नूं परमात्मा ने इन्नी ताकत बख्शी कि हमेशा लोड़वंदा दी मदद लई भावें ओह किते हड़ आ जाण, भावें किते तूफान आ जाण, भावें आ करोना दा काल चलिया, लेकिन गुरु ने इन्नी उन्हां ते कृपा कीती है कि हर लोड़वंद लई भावें ब्लड मनी करोड़ां दे हिसाब नाल देनी पई, उहदे च वी SPS उबराए ने पिठ नहीं दिखाई। तो मैं समझदा उन्हां ने अज माइक तौर ते वी बड़ा वड्डा माण दित्ता, सारे शायर साहबानां नूं सन्मान भी दिता और उन्होंने बहुत निघे प्यारे साथी मेरे वीर सरदार गगनदीप सिंह जी उजा उन्होंने भी बहुत धन्यवादी हाँ कि उन्होंने उबराए साहब के बिहाफ से उन्होंने इत्थे आ के ये सारिया सेवावां जिहड़ियां निभाईयां। तो मैं इन्हां शब्दां नाल अज दे इस होले महल्ले के पवित्र दिहाड़े से समूह साध संगत नूं बहुत बहुत वधाई दिंदा और अज इस कवि दरबार जिहड़ा होया और जिहड़ा हो भी रहा ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਭੇਂਟ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਪਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਹਾਂ। ਸੋ ਕਰਾਂ ਜੋਦੜੀ ਪਿਤਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਅੱਗੇ, ਮੇਰੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਦਾ ਪਿਆਰ ਲਿਖਦੇ ਲਿਖਦੇ ਮੇਰੀ ਕਿਰਪਾਨ 'ਤੇ ਜਫਰਨਾਮਾ, ਮੇਰੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਦਾ ਪਿਆਰ ਲਿਖਦੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਆਇਆ ਕਿ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਅਸੀਂ ਮਾਣਿਆ ਹੈ, ਪੰਥਕ ਕਵਿਤਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਓਬਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕਵੀਆਂ ਨੂੰ ਥਾਲਾਂ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਮੋਹਰਾਂ ਵੰਡਦੇ ਸਨ। 65,000 ਮੋਹਰਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਵੀਆਂ 'ਤੇ, ਸੋ ਓਬਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਔਰ ਆਹੂਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਸੋ ਉਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕਵੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਕਵੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਸੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੂੰ ਜੀ, ਦਾਸ ਕੋ ਜ਼ਮੀਰ ਅਲੀ ਜ਼ਮੀਰ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਕਹਤੇ ਹੈ। ਆਜ ਕੇ ਮੁਬਾਰਕ ਮੌਕਾ ਪਰ, ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਕੇ ਮੁਬਾਰਕ ਮੌਕਾ ਪਰ, ਮੈਂ तमाम गुरु गोबिंद सिंह साहिब के मानने वालों को, उनके बेटों को अपनी तरफ से फतेह अर्ज करना चाहता हूँ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। साध संगत जी, आज बहुत ही खुशी का दिन है। एक तो पूर्णवासी है
और ऊपर से होला मोहल्ला है। आज हम पांवटा साहिब की मुकद्दस धरती पर हैं और जहां पे गुरु गोबिंद सिंह साहिब ने 52 कवि रख करके कवि दरबार सजाए और कविताएं सुनी भी पढ़ी भी, आज मुझे बड़ा फख्र महसूस हो रहा है कि मैं आज पांवटा साहिब की मुकद्दस धरती की जो नक्शे कफे पा है गुरु गोबिंद सिंह महाराज की, मैं अपने माथे पर लगा रहा हूँ। आज मैं 52 कवियों में से एक कवि होने का मान मुझे हासिल है, मैं बेहद खुश हूँ आज। जी अब्राहिम साहब का क्या कहने जी, अगर मैं इस्लाम के नुक्ते नज़र से देखूं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि खिदमत खल्क बेहतरीन इबादत, और अगर गुरु गोबिंद सिंह साहब की जो रेड क्रॉस की जो रीत है, परंपरा है, उसको देखूं, तो भाई कन्हैया के रूप में आज दौरे हाजिर में अब्राहिम साहब के रूप में भाई कन्हैया तशरीफ लाए हुए हैं। एक बार फिर सुनिएगा, दुनिया में कहीं भी आफत आ जाए, कोई भी मुसीबत आ जाए, SSP अब्राहिम साहब जो हैं वो सबसे आगे रहते हैं। मैंने टेलीमीडिया के माध्यम से देखा कि उन्होंने कोरोना बजट रखा हुआ था कि कोरोना में इतनी डोनेशन करनी है, फ्लड आए तो इतनी डोनेशन करनी है। मीडिया वालों ने उनसे पूछा कि ये जो किसान आंदोलन है इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, उन्होंने कहा कि जितनी दौलत जितनी इज्जत कुदरत ने मुझे अता की है, मैं सारी की सारी किसान आंदोलन पर लुटाने के लिए तैयार हूँ। मेरे नज़दीक वो भाई कन्हैया के रूप में एक खिदमत खल्क करने के लिए आए हुए दुनिया में वो इंसान है। अजीत दे पत्रकार अमनदीप सिंह की रिपोर्ट। वधेरे खबरां लई तुसी वेखते रहो अजीत वैब टीवी।